नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि डीआरडीओ ने बहुत सारे वेपन्स को टेस्ट किया है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन ये डीआरडीओ ने एक ऐसा बड़ा अचीवमेंट किया है जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और डीआरडीओ ने बिल्कुल दिल खुश करने वाला काम कर दिया है। डीआरडीओ ने दोस्तों आज यानी कि 5 अक्टूबर के दिन 11:45 पे व्हीलर आइलैंड, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां से अपने एक वेपन का टेस्ट किया है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट कहते हैं। स्मार्ट जैसा नाम वैसा काम। वैसे इसका फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है। ये है क्या? तो ये दोस्तों बेसिकली एक हाइब्रिड मिसाइल और टॉर्पीडो दोनों ही है ये एक तरीके से, और ये भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आने वाले समय में। ये पूरी चीज़ क्या है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, कैसे हम चाइना से इस कैटेगरी में आगे धीरे धीरे आ जाएंगे, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों डीआरडीओ का आपको पता है, डीआरडीओ ने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, और अभी जो मैंने टेस्ट बताया दोस्तों, ये कोई आम टॉर्पीडो भी नहीं है, ना ही कोई मिसाइल है। ये एक हाइब्रिड है, यानी कि ऐसी मिसाइल है या एक ऐसा टॉर्पीडो है जो कि मिसाइल और टॉर्पीडो दोनों का ही काम करता है। मिसाइल टॉर्पीडो में बेसिक अंतर क्या होता है, तो जो मिसाइल होती है दोस्तों, वो आप एक तरीके से ग्राउंड टू ग्राउंड काम करती है, या ग्राउंड टू एयर, या एयर टू ग्राउंड काम करती है। यानी कि मिसाइल पानी के अंदर काम नहीं करती है। आप पानी के अंदर से बाहर तो छोड़ सकते हो, जैसे कि भारत के पास K4 मिसाइल है, लेकिन अगर आपको पानी के अंदर किसी सबमरीन पर अटैक करना है तो वो काम आप किसी मिसाइल से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए होता है टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो बेसिकली 2-3 जगह से फायर किया जा सकता है। इसके लिए आपको या तो सबमरीन चाहिए जिसके थ्रू आप दूसरे सबमरीन पे अटैक करते हो, या फिर आपको वॉरशिप चाहिए होता है जहां से आप टॉर्पीडो को सीधे पानी में लॉन्च करते हो और फिर वो टॉर्पीडो आपके दुश्मन सबमरीन को हिट करता है। तो ये बेसिकली टॉर्पीडो का काम होता है। तो क्योंकि हमें पानी में ट्रेवल कराना है अपने टॉर्पीडो को, तो इसके वजह से जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसमें रेंज बहुत लिमिटेड हो जाती है। जो जनरली टॉर्पीडो यूज होते हैं उन सब की मैक्सिमम रेंज ही 50 किलोमीटर तक की होती है, और इवन जो रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडो होते हैं वो भी बहुत सारे लोगों ने बनाया है, लेकिन वो भी 150 किलोमीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस वाले ही अभी तक बन पाए हैं। लेकिन यहाँ पे डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ा काम करते हुए ऐसे वेपन का इजाद कर दिया है जो कि पहले एक मिसाइल की तरह काफी दूर की रेंज तक जाता है, फिर एक टॉर्पीडो की तरह काम करता है। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है दोस्तों, ये बेसिकली कंफर्म्ड अभी डीआरडीओ की ओर से नहीं बताई गई है, लेकिन 650 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सोच के देखो, 650 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं, और इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो आप किसी सबमरीन से इसको लॉन्च नहीं कर सकते, ये इसमें एक दिक्कत है। लेकिन इसी की वजह से इसकी रेंज इतनी ज्यादा हो पाई है, क्योंकि ये एक मिसाइल की तरह मैंने बताया आपको काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि इसे फिलहाल के तौर पे एक वॉरशिप से या फिर एक ट्रक जैसी चीज से आप इसे लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि ब्रह्मोस वगैरह को आपने देखा होगा, वो ट्रक पे माउंटेड होते हैं, और बाकी जो ब्रह्मोस का नवल वर्जन है उसको आपने देखा होगा कि वो वॉरशिप पे माउंटेड होता है। तो अगर आप वॉरशिप से अपने मिसाइल को या फिर ट्रक से अपने मिसाइल को एयर लॉन्च कर सकते हो, तो वहां से आप इस मिसाइल को लॉन्च करते हो, उसके बाद ये एयर में ट्रेवल करता है और फिर ये पानी में चला जाता है, और पानी में जाने के बाद आपके टारगेट यानी कि सबमरीन को, आपके दुश्मन सबमरीन को हिट करता है। ये जो मैप आपको सामने दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इस वॉरशिप से एक एग्जांपल के लिए है ये। इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, ये एक नॉर्मल मिसाइल की तरह ट्रेवल करेगा, फिर इसमें पैराशूट के थ्रू इसका टॉर्पीडो इजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पैराशूट रास्ते में हट जाता है ऑटोमेटिकली और वो गिर जाता है, और उसके बाद वो टॉर्पीडो पानी में एंटर करता है और फिर दुश्मन सबमरीन के पास चला जाता है। इस मिसाइल की जो रेंज होगी ये मैक्सिमम होगी लगभग 600 किलोमीटर तक की। तो यानी कि ये जो वेपन है ये 600 किलोमीटर तक एक मिसाइल की तरह ट्रेवल करेगा, और जो आखिरी का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इसका, वो ये एक टॉर्पीडो की तरह ट्रेवल करेगा। तो ये अपने आप में काफी बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों डीआरडीओ का, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी जो टेस्ट किया गया है ये ऑफिशियल, जो आप अभी पिक्चर देख रहे हैं ये ओरिजिनल पिक्चर है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने शेयर किया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसे
एक ट्रक से माउंट करके लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आपका जो समुद्री किनारा है आप वहाँ पे इस तरह की कुछ बैटरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपका जो एरिया है 650 किलोमीटर तक का आपका समुद्री किनारा, उसके 650 किलोमीटर के पास अगर कोई आता है तो आप यहीं से इसको लॉन्च करके आप दुश्मन पे अटैक कर सकते हैं। इसका जो गाइडेंस सिस्टम होता है बेसिकली वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि 650 किलोमीटर दूर पानी के अंदर किसी टारगेट को हिट करना ये अपने आप में काफी ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस मिसाइल को उस टारगेट तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। और इसको डीआरडीओ ने अचीव कर लिया है, तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी डीआरडीओ की तारीफ करने वाली चीज है। जो प्रेस रिलीज की गई है उसमें डीआरडीओ ने क्लियर तो नहीं बताया है कि इसकी रेंज कितनी टेस्ट की गई है, लेकिन डीआरडीओ के अकॉर्डिंग इसकी जो रेंज है, जो भी उन्होंने सोचा था उसके हिसाब से वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा था उतनी रेंज तक। साथ ही इसका जो सेपरेशन ऑफ नोज कोन है, यानी कि आगे जाके जैसे सेपरेशन होता है मिसाइल और टॉर्पीडो का, वो भी सक्सेसफुल रहा है। और बाकी भी डीआरडीओ ने जो भी पैरामीटर सेट किए थे उन सब में ये मिसाइल ने अपना बखूबी काम दिखाया हुआ है। तो ये काफी बड़ी चीज है दोस्तों कि भारत ने इस तरीके के वेपन का टेस्ट किया है। ये जो स्मार्ट है, ये एक तरीके का आप समझो कि ऐसा वेपन है जो कि भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को ड्रास्टिकली बढ़ा देगा, और ये आप हमारी नेवी के लिए आप एक गेम चेंजर कह सकते हो। जैसे राफेल को कहा जाता है ना कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल एक गेम चेंजर है, वैसे ही ये जो स्मार्ट वेपन होगा ये भी भारतीय नेवी के लिए एक गेम चेंजर ही साबित होगा। बात की जाए चाइना की, तो चाइना के भी पास कुछ और भी कंट्रीज ने ऐसे मिसाइल्स डेवलप की हैं, लेकिन चाइना की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो चाइना ने UYU-8ASW, ASW का मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इस नाम से एक ऐसा ही हाइब्रिड मिसाइल बनाया है जो कि बिल्कुल इसी थियोरी पे काम करता है। लेकिन चाइना ने इसका जो टेस्ट किया है वो मैक्सिमम अभी 80 से 100 किलोमीटर तक ही चाइना ने किया हुआ है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये चाइना से काफी ज्यादा आगे का है, तो चाइना को यहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। और ये टेस्ट अभी के लिए चाइना के लिए सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय LAC पे जो चीजें चल रही हैं, हमारा कोई और देश तो दुश्मन नहीं है पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के, और चाइना से भी पहले इतना ज्यादा इश्यूज नहीं थे, लेकिन अभी जो कंडीशन है उसमें डीआरडीओ के इतने सारे टेस्ट हुए हैं, जिसमें से ये टेस्ट जो होगा ये सबसे बड़ा मैसेज होगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना आपको पता है कि जो इंडियन ओशन वाला एरिया है उसमें भी चाइना काफी अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है, और क्योंकि चाइना की नेवी भी बड़ी है तो चाइना को इस चीज का घमंड भी रहता है कहीं ना कहीं उसे अपने ज्यादा वॉरशिप और ज्यादा सबमरीन के ऊपर। तो वॉरशिप को तो आपको टारगेट करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन दुश्मन का जो सबमरीन होता है उसे टारगेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। और अगर आपके पास ये क्षमता आ जाती है कि आप इतनी दूर से दुश्मन के सबमरीन को टारगेट कर देते हैं, तो ये अपने आप में काफी बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। हमें आपको, हम सबको मिलकर डीआरडीओ को उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अलग अलग जगहों पे। और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट नया बना हुआ है अभी, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां पे भी ये न्यूज मैंने शेयर की हुई है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।